हाँ तो भाई कैसे हो सभी। सो फाइनली आज इतना वेट करने के बाद हनी पाजी का ट्रैक ड्रॉप हो चुका है। द ट्रैक नेम इज़ लेट्स गेट इट पार्टी फ्रॉम द एल्बम हनी 3.0 एंड अपन करने वाले हैं एक प्रॉपर रिव्यू, बेसिकली एक ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, एक एक पॉइंट रख के बातचीत करेंगे, लाइक लिरिक्स कैसे हैं, म्यूजिक वीडियो कैसी है, ट्रैक की बीट कैसी है एंड मिक्स एंड मास्टर कैसा है, ओवरऑल हर चीज़ के बारे में बातचीत होगी। बाकी लास्ट में आपको एक प्रॉपर रिव्यू दे दूंगा, जितना मैंने ध्यान से ट्रैक सुना है, बहुत बार सुन लिया है, उस हिसाब से आपको बताऊंगा ट्रैक एवरेज है या फिर सुपर डुपर हिट जाने वाला है। बाकी मेरा रिव्यू देखने से पहले आप लोग पहले ही कमेंट्स में बता दो अपना ओपिनियन, आपको कैसा लगा ट्रैक। बाकी चलो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ट्रैक के क्रेडिट्स पे नज़र डाल लेते हैं। सिंगर एंड म्यूजिक बाय योयो हनी सिंह। तो हाँ, इस बार बीट अपने हनी पाजी के हैं, लिरिक्स लियो ग्रेवाल एंड योयो हनी सिंह दोनों ने मिलकर लिखे हैं। मिक्स एंड मास्टर बाय वोगडन बोबरो। अब प्रोनाउंसिएशन सही है या फिर गलत आप समझ गए ना अपने हिसाब से। बाकी ये कोई बाहर का बंदा लग रहा है तो पता है गलती कहाँ पे होती है। हनी पाजी ने एक इंटरव्यू में कहा था मैं कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ता, हनी पाजी को कमेंट्स पढ़ने चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगी, कम से कम पता चलेगा कि फैंस की डिमांड क्या है। फैंस की हाईली रिकमेंडेशन होती है कि विनोद वर्मा मिक्स एंड मास्टर करें, क्योंकि उन्होंने जो है शुरुआत से ही हनी पाजी के ट्रैक्स मिक्स एंड मास्टर करे हैं और वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच होते हैं। एनीवेज अपन आगे बात करते हैं। तो जैसे कि तुम्हारे भाई ने कहा था कि इस बार जो म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट करा है ना, वो मिहिर गुलाटी या रूपन मल्ले नहीं करा है, किसी बाहर के फॉरेनर डायरेक्टर ने करा है। तो हाँ, वो बात बिल्कुल सच निकली, नाम है मोसेस यूडीओ। अब ये कौन है पता नहीं, बाकी अपन आगे बातचीत करते हैं। वो तो हनी पाजी की एंट्री होती है उनके फ्रेंड के साथ में जिनका नाम है इंडो, एंड ये जो कार थी आई थिंक क्लासिक फोर्ड मस्टैंग थी जिसमें हनी पाजी की एंट्री होती है। और हनी पाजी जैसे ही नीचे आते हैं कार से तो जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी की सारी क्लब की साइड जाने लगती हैं, और हनी पाजी के जाते ही डांस चालू हो जाता है। और वही जो पुराना हनी सिंह था, टिपिकल हनी सिंह था, ओल्ड शरारते वाला हनी सिंह था भाई, वो वाला देखने को मिल जाता है पूरी म्यूजिक वीडियो में। ऐसी मस्तीबाज गाना है, मेरे हिसाब से मस्तीखोर गाना है, आई होप आपको पसंद आएगा, थोड़ा सा शरारती भी है। तो लिरिक्स के क्रेडिट में इस बार दो नाम है, लियो ग्रेवाल एंड हनी पाजी। और सीधी सिंपल बात है, जो प्रॉपर ठेठ पंजाबी में वर्स है वो लियो पाजी का है, बिकॉज वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनको ठेठ पंजाबी आती है। एंड हनी पाजी को अभी उतनी ठेठ पंजाबी नहीं आती है क्योंकि वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, इंटरनेशनल ब्लेजर से पहले वो पंजाब में रहते थे तो उनको प्रॉपर ठेठ पंजाबी आती थी। और ऑफकोर्स जो हिंदी वर्स है वो हनी पाजी का है एंड रैप पार्ट भी हनी पाजी का है। तो ये मैं हमेशा की तरह फिर से कहूँगा कि लिरिकली ट्रैक बहुत अच्छा है भाई, कोई भी कमी नहीं है, नो रिपीटेड लिरिक्स, नो घटिया राइटिंग। मतलब मुझे पता है भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हनी पाजी के ट्रैक को प्रॉपर जो हार्डकोर लिरिक्स वाले ट्रैक्स होते हैं, हिप हॉप ट्रैक्स होते हैं, उनसे कंपेयर करने लगते हैं। अब भाई नाम ही में पार्टी है तो पार्टी ट्रैक है ना पूरा का पूरा, इसमें कोई प्रॉपर हार्डकोर लिरिक्स तो होंगे नहीं, उन पे वैसे भी कोई डांस नहीं कर सकता है, तो कमर्शियल वाइब देने के लिए ऐसे लिरिक्स यूज़ करे जाते हैं, और लिरिक्स में कोई भी कमी नहीं है, एक नंबर है। एंड हाँ, नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि इसमें डबल मीनिंग वर्ड्स भी यूज़ करे गए हैं, जो कि टिपिकल हनी सिंह करता था पहले के टाइम में। मतलब आप इसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हो, ये वाली लाइन सुनो, अब इसमें हनी पाजी का मतलब है पारा है बढ़ रहा, गर्मी है मतलब कपड़े उतारो, तो आप इसको किसी भी वे में ले सकते हो, ये वही ओल्ड हनी सिंह है भाई। बाकी ट्रैक जो है भाई धीरे धीरे ग्रो होता है, टोटल दो वर्स होने वाले हैं इसमें, एंड जो सेकंड वर्स है मुझे वो बहुत डिसेंट लगा, एंड जो लास्ट में हनी पाजी का रैप रहता है भाई साहब, वो मुझे सबसे अच्छा लगा पूरे ट्रैक में। बाकी ब्रेकडाउन करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं भाई, कमर्शियल ट्रैक है, आपको समझ में आ गए होंगे लिरिक्स कैसे हैं। सो या अगेन, लिरिक्स बहुत डिसेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर टिपिकल हनी सिंह वाले लिरिक्स इसमें यूज़ करे गए हैं। अब देखो यार, बीट्स हनी पाजी के हैं, एंड ये बहुत रेयरली हुआ है कि किसी को हनी पाजी की बीट पसंद ना आई हो, मतलब हनी पाजी कभी गलती करते ही नहीं है भाई बीट में, वो बीट्स में बहुत आगे है, मतलब उनका जो बीट्स में इन्वॉल्वमेंट है ना भाई, वो इंडिया में मुझे नहीं लगता किसी और का है, उनके जैसी कोई बीट्स नहीं बना सकता है, और ये एक बहुत बड़ा सच है। और इस ट्रैक में जो बीट है ना भाई, एकदम एक्सपेरिमेंटल लग रही है, कुछ नया सुनने को मिला है, मतलब हनी पाजी की जो ओल्ड बीट्स होती थी पुराने गानों में, मतलब वो अलग होती थी, समझ में आ जाता था कि हनी पाजी की बीट्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लग रहा है। जैसे हनी पाजी ने इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि इस एल्बम में आपको ओल्ड हनी सिंह एंड न्यू हनी सिंह भी देखने को मिलेगा, तो ये मिक्स लग रहा है, मतलब बीट भाई थोड़ी न्यू लग रही है, कुछ अलग सुनने को मिला है हनी पाजी की साइड से। और पता है हनी पाजी ने इसमें एक गलती नहीं करी है, जो कि बेस योगी ने कर दी थी नागन ट्रैक में। अब उस ट्रैक में क्या था ना, जो बेस योगी की बीट थी भाई वो लूप पे चलती थी, कहीं पर भी कोई स्विच नहीं था, कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उस वजह से अपन बीट के साथ में थोड़ा बोर हो गए थे, ऊपर से ट्रैक बहुत लंबा भी था। लेकिन इसमें हनी पाजी खेल गए, उन्होंने भाई जगह जगह पे जो है, जैसे ही वर्स दूसरा आने वाला होता है वहाँ पे वो ब्रेक लेते हैं,
ठीक है, तो इस वजह से अपन बीट्स के साथ में बोर नहीं होते। और पाजी ने ज़्यादा एलिमेंट्स भी यूज़ नहीं करे हैं, थोड़ी बहुत एलिमेंट्स में ही भाई काम हो गया और ख़तरनाक बीट बना दी। बाकी बीट जो है भाई फुल शरारत वाली है, पूरी क्लब के हिसाब से है, बीट में मुझे कोई कमी नहीं लगी है। हनी पाजी का वैसे भी भाई म्यूज़िक बहुत टाइम बाद सुनने को मिला है, और अपन सभी फैंस की हमेशा से भाई एक ही डिमांड रहती है कि पाजी का ही बस म्यूज़िक सुनने को मिले उनके ट्रैक्स में, और किसी का म्यूज़िक नहीं सुनना। एंड अगर अपन बात करें मिक्स एंड मास्टर की, तो किसी नए बंदे ने करा है जो कि आई थिंक एलए से ही है, इनका नाम है बोगडन वॉब्रो, एंड ये जो नाम है पहली बार अपन ने हनी पाजी के साथ देखा है। तो देखो यार, मिक्स एंड मास्टर में ज़्यादा कुछ कमी नहीं लगी मुझे, बस कहीं कहीं पर जो है ऐसा लग रहा था कि बीट ज़्यादा सुनाई दे रही है, हनी पाजी के वोकल्स दब रहे हैं, ऐसा लगा कहीं कहीं पर। लेकिन मिक्स एंड मास्टर में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि यार देखो सीधी सिंपल बात है, हनी पाजी जैसे आर्टिस्ट और ये जो मिक्स एंड मास्टर करने वाला बंदा है भाई, इनको ना अपन से कहीं ज़्यादा नॉलेज है, तो अपन क्या ही मिक्स एंड मास्टर में ज़्यादा कहें, बस अपन को थोड़ा बहुत जहाँ पे लगा मैंने बता दिया। लेकिन हाँ एक चीज़ है भाई, विनोद वर्मा भाई, उस बंदे को ना भली बात ही पता है कि हनी पाजी के वोकल्स कैसे निकालने हैं। तो यार हमेशा फैंस कहते हैं हनी पाजी से कि पाजी प्लीज़ हर एक ट्रैक में मिक्स एंड मास्टर करवाना है तो विनोद वर्मा से करवाओ, वो बंदा ना भाई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, मतलब किंग कहा जाता है उसको मिक्स एंड मास्टर का। अब बात कर लेते हैं अपन म्यूज़िक वीडियो के बारे में, हाउ वॉज दी विजुअल्स, जो कि शूट करे हैं मुसेस यूडीओ ने, और ये कोई नया बंदा है, इसका भी नाम अपन ने पहली बार हनी पाजी के साथ में देखा है। तो ये एक गोरा डायरेक्टर है एलए से, जिसने इस म्यूज़िक वीडियो को शूट करा है आई थिंक, ठीक है। तो अगर अपन म्यूज़िक वीडियो की बात करें ना, तो भाई बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स लिए गए हैं, म्यूज़िक वीडियो में फुल प्रीमियमनेस दिख रही है, रिचनेस दिख रही है, इंटरनेशनल वाइब आ रही है। और हनी पाजी की तो हर एक म्यूज़िक वीडियो में भाई इंटरनेशनल वाइब आती है, चाहे रूपनवल शूट कर लें, चाहे मिहिर गुलाटी कर लें, मिहिर गुलाटी की में थोड़ी कम आती है लेकिन आ जाती है। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। पता है गलती कहाँ है म्यूज़िक वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। एक तो लाइटिंग में आई थिंक गलती है, ज़्यादा डार्क लग रही है म्यूज़िक वीडियो, ऊपर से जो कलर ग्रेडिंग है वो मुझे सही नहीं लगी भाई, शार्पनेस कुछ ज़्यादा ही है म्यूज़िक वीडियो में, बाकी कोई गलती नहीं लगी है। आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में बताओ, मतलब इससे बेटर हो सकता था, आप लोग अपना ओपिनियन दे दो। बाकी अपन आगे बातचीत करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, प्रॉपर रिव्यू करते हैं। तो अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना भाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्रैक सुना था मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था, देन मैंने बार बार इस ट्रैक को सुना, क्योंकि हनी पाजी ने हमेशा इंटरव्यू में कहा है मेरे ट्रैक्स जो है भाई फ्यूचरिस्टिक होते हैं, आगे जाके समझ में आते हैं कई सालों बाद, और जब बार बार सुनते हैं ना तो दिमाग पे चढ़ जाते हैं, और लिटरली यही मेरे साथ हुआ। मैंने जब इसको बार बार रिपीट पे सुना ना, तो यार ये मुझे अच्छा लगने लगा। अब एग्जांपल भी दे देता हूँ, लाइक हनी पाजी के जब बूम बूम ट्रैक आया था, काखागा आया था, मेलोडी रोजा आया था, नागन ट्रैक आया था, एंड सबसे बड़ा एग्जांपल सैया जी आया था, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ करा कि ये क्या ट्रैक बना रहे हैं हनी पाजी। लेकिन बाद में ना भाई यही ट्रैक लूप पे सुनने लगे थे अपन, पसंद आने लगे थे, और मैं ये सारे ट्रैक सुनता हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस ट्रैक के साथ भी यही होगा, और मेरे ख्याल से हनी पाजी ने जब इस ट्रैक को बनाया होगा ना, तो दिमाग में एक चीज़ रखी होगी कि अपन एक क्लब के हिसाब से ट्रैक बनाते हैं, नॉर्मली तो फैंस ज़्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन क्लब में नो डाउट ये बहुत तगड़ा बजने वाला है, और उसी हिसाब का है, क्लब एंड गाड़ियों में ये पक्का चलेगा। और हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया था, इसका जो हुक है भाई साहब, हनी पाजी के जो वोकल्स निकल के आते हैं क्या ही दहाड़ मारते हैं, मतलब यार लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये क्लब में चल गया ना ट्रैक भाई फाड़ के रख देगा, मतलब इसका जो हुक पार्ट है या फिर कोरस कह लो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो ट्रैक को टाइम दो भाई, धीरे धीरे करके अच्छा लगेगा। अभी आप लोग कहोगे कि तू वायस्ड हो रहा है, तू तारीफ़ें करे जा रहा है, भाई तारीफ़ करने लायक है ये ट्रैक लिटरली, मतलब आप मेरे पुराने रिव्यू देख लेना हनी पाजी के ट्रैक्स के, भाई जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना मैं बता देता हूँ भाई छाती ठोक के, लेकिन इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगा है, मुझे अच्छा लगा ट्रैक, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रैक है भाई, कुछ नया करा है हनी पाजी ने। और अगर अपन इसको रेटिंग भी करना चाहें ना, तो 5 out of 4.5 रेट्स मैं दूंगा इसको। आप लोगों को क्या लगता है भाई कमेंट्स में बताओ, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर हनी पाजी के फैन हो, बातचीत उन्हीं के बारे में होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।